बदलाव ही प्रकृति का असल उसूल है। वक्त के साथ पूरा संसार बदला, सारे जीव बदले, फिर हम मनुष्य क्यों सोच लेते हैं कि जिन उसूलों से हमने जीवन शुरू किया था, हमें पूरी जिंदगी उन्हीं उसूलों से जीना है और उन्हीं उसूलों से मरना है। जब तक हमारे दिमाग में बदलाव को हम स्वागत नहीं करेंगे, तब तक हम पुराने विचारों की वजह से परेशान रहेंगे, उसके दुख से ग्रसित रहेंगे। हर परिस्थिति के हिसाब से हमें बदलना ज़रूरी है, पर इस तरह से बदलें जो आपको और दूसरों को भी खुशी दे। जब हम पुराने विचारों पर बहुत लंबे अरसे तक डटे रहते हैं, तो वो हमारे शरीर में किसी तरह की तकलीफ बनकर प्रकट होते हैं। वो हमारे दिमाग में ऐसा हानिकारक रूप ले लेता है जिसे बदलना फिर किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। एक सफल जीवन वही है जहां हम उम्र से बड़े होकर ज्ञान तो पालें, मगर एक बच्चे की तरह हमेशा चंचल, खुशहाल और नई चीज़ ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहें। वो उत्सुकता ही जीवन को खुशहाल बनाती है। अपने जीवन के, अपने विचारों के उन हिस्सों को जानें जहां आप अटक चुके हैं। उनसे मुक्त होना ही अपने अतीत से मुक्त होना है। तो चलिए ध्यान में बैठते हैं और अपने आप को एक खूबसूरत जीवन की तरफ ले चलते हैं। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर को हमेशा सीधा रखें, आंखें बंद कर लें और हथेलियों को अपनी गोद में रख लें। एक लंबी गहरी सांस हमें भरनी है और उसे रोक लेना है, और अब इस सांस को मुंह से छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ते जाना है। फिर से एक लंबी सांस लेनी है और इसे फिर से रोक लेना है, और सांस मुंह से छोड़ते हुए कंधों को, छाती को, कमर को ढीला छोड़ते जाना है। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस रोकिए और इस सांस को पूरे शरीर में फैलने दीजिए। और अब जैसे जैसे आप सांस छोड़ते हैं, देखिए कि आपके पैर, आपके तलवे, हाथ, हथेलियाँ, बाजू, कमर सब तनाव से मुक्त होते जा रहे हैं। सांस आसानी से शरीर के हर हिस्से में पहुंच रही है, जिससे आपके शरीर में एक समभाव बने जा रहा है। आपका माथा खुल रहा है, मस्तिष्क शांत होते जा रहा है। किसी भी तरह की गतिविधियां जो दिमाग में हो रही थी, बिल्कुल शांत हो रही हैं। शरीर पिघल रहा है, सारा तनाव शरीर का पिघलता जा रहा है और बिल्कुल स्थिर हो चुका है। सिर्फ आपकी छाती में प्रक्रिया हो रही है सांस लेने की और सांस छोड़ने की। सांस को और गहरा करते हुए कमर के निचले हिस्से तक ले जाएं, पेट में भर लें, और हर सांस छोड़ते हुए शरीर को और ढीला और तनाव से मुक्त करते जाएं। देखिए कि आप पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ आपका ध्यान केंद्रित है। सिर्फ अपने अंतरात्मा से आप जुड़ रहे हैं। देखिए कि किस तरह से हर दिन आपका शरीर कई सारी कोशिकाओं को छोड़कर नई कोशिकाएं बनाता है। किस तरह से शरीर जो कई साल जीता है, वो भी उन चीज़ों को हमेशा अपने अंदर नहीं रखता जिसके साथ वो पैदा हुआ था। और इस बदलाव की वजह से ही हमारा जीवन संचालित रहता है। किस तरह कोई भी घाव खुद ब खुद अपने आप भरता जाता है। जब भी किसी तरह की चोट लगती है, तो शरीर अपने आप उस घाव को आसानी से भरने लग जाता है। वो पूरी चमड़ी जो एक वक्त उस दर्द से ग्रसित थी, बदल कर एक नया खुशहाल रूप ले लेती है। मैं बदलाव का स्वागत करता हूँ। मैं जो कल था, वो आज नहीं हूँ और वो ठीक है। बदलाव एक बेहतरीन विधि है। इसको स्वागत करने से मैं वक्त के साथ हमेशा आगे की तरफ बढ़ता हूँ।
और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए हमेशा अग्रसर हूँ। इस भाव को अपने अंदर समाइए। कुछ पल हर उस दृश्य को देखिए जब बदलाव ने एक बेहतरीन रूप दिखाया है, जब बदलाव की वजह से जीवन सरल और बेहतरीन हुआ है। सांस लेते रहें और इस सारी सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाते हुए अब हम धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और अपनी आंखों पर रखते हुए इन्हें अब धीरे से खोलिए। स्वागत है आपका। बदलाव एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो आपको मौका देती है अपने सर्वोच्च रूप तक पहुंचने का, अपने परम रूप में आने का। आप असीम हैं और उसको हासिल करने के लिए जो भी बदलाव आपको ज़रूरी लगे ज़रूर शामिल कीजिए जो आपके और दूसरों की भलाई में हो।